वैसे भी गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट जीएल गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो सैम मॉन को प्लेयर कहने के बाद उसके घर आती है और बहुत ही गिल्टी फील के साथ उसे माफी मांग लेती है, बट हमारी मॉन सैम को इतनी जल्दी माफी नहीं देती है। सॉरी गाइस, मैंने इस सीन को स्किप कर दी थी। तो चलो स्टोरी सुनते है। तो सैम उसे अपने घर चलने के लिए कहती है, तो मॉन रेडी तो हो जाती है बट वो सैम को दिखाती है कि वो बहुत गुस्से में है और अभी तक उसको माफ़ नहीं की है। तो मॉन अपनी मॉम डैड से कह देती है कि वो ऑफिस के इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रही है। तो उसके मॉम डैड भी नहीं रोकती है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जा रहा है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी बेटी अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रही है उसके साथ स्लीप ओवर के लिए। ओ हाउ रोमांटिक। ओके, फिर मॉन सोचती है, अरे यार मैं क्या हूँ, मेरी बॉस जो कि अभी मेरे साथ है और हैप्पी है एंड मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आई है, और मैं कर क्या रही हूँ। मतलब मॉन हैप्पी है अंदर अंदर में क्योंकि सैम उसके घर आई है और कल रात की बिहेवियर की वजह से वो उसे माफ़ी भी मांग चुकी है, पर वो सैम को नहीं दिखाएगी कि वो हैप्पी है। सही किया मॉन ने। फिर वो दोनों सैम की रूम पे आ जाती है और सैम को रियलाइज हो जाती है कि मॉन अभी भी उससे बहुत नाराज है और इसीलिए उससे बात भी नहीं कर रही है। इधर सैम को कुछ ज्यादा ही गिल्टी फील हो रही थी तो इसीलिए वो मॉन की बहुत केयर कर रही थी। तो मॉन कहती है, मुझे इतनी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम नॉट लाइक यू। मॉन की इस बात से सैम थोड़ी हर्ट होती है और ऐसी फेस बनाती है लाइक वो मॉन के लिए कुछ भी कर सकती है ताकि मॉन उसे माफ़ कर दे, पर वो क्या करे ताकि मॉन हैप्पी फील करे। सैम को ऐसे देखकर मॉन सोचती है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। सैम कहती है, तुम्हारी कल रात की रोने की इमेजेस मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। मॉन कहती है, अब सच में मेरी केयर करते हो। सैम कहती है, बहुत ज़्यादा। मॉन सोचती है, सैम जब कोई भी बातें ऑनेस्टली बोलती है वो सारी बातें उसे फील होती है, अदरवाइज सैम क्या करते हैं क्या सोचते हैं ये समझना बहुत टफ है। सैम कहती है, तुम्हारी मन में क्या चल रही है, और कहते ही मॉन की बहुत क्लोज आती है और उसकी एकदम कान के सामने कहती है, तुम मेरे लिए इतना मैड क्यों हो रहे हो। तो मॉन कहती है, नो मैं आपके लिए मैड नहीं हूँ और मैं आपको माफ़ कर दी है, अगर मैं आपको माफ़ नहीं करती तो मैं आपके साथ आपकी घर पे नहीं आती, मैं ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ नहीं रह सकती हूँ। और जब आप मेरे घर आए थे और मुझसे कहा कि आप मुझसे जेलस फील करते हो तो तभी मेरा गुस्सा ठंडा हो गई थी, और मैं तो बस इतने टाइम से मज़े ले रही थी क्योंकि मुझे देखना था कि आप मुझे मनाने के लिए क्या क्या करते हो। मॉन की इस बात से फर्स्ट टाइम सैम की आंखों पे आंसू आई थी। सैम को ऐसे देखकर मॉन कहती है, नो डोंट क्राई, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बट सैम में कोई चेंजेस नहीं आती है, वो ऐसे ही सैड बैठी थी। तो मॉन सैम को सोफा में आहिस्ता लेटा देती है और उसकी क्लोज जाके कहती है, दैट इज व्हाट आई वांट, और आपने ही तो कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो सैम कहती है, नो मैंने तो नहीं कहा था। पर मॉन सैम की ये बात नहीं सुनती और सैम की बहुत क्लोज जाके उसकी शर्ट की बटन को ओपन करती है, फिर एक जेंटली किस करती है और कहती है, दैट इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम बट आई डू माई बेस्ट। फिर सैम की ओर देख के कहती है, अगर आप मुझे ये करने नहीं दोगे ना तो मैं सीधा अपने घर चली जाऊंगी। मॉन की ये बात इतनी सीरियसली और इतनी लाउडली थी कि सैम अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी बातों पर सैम की ये रिएक्शन देखकर मॉन सोचती है, टुडे सैम विल बी माइन। और आज ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब वो दोनों नाइट स्टे कर रही है, बट आज की बात ही अलग है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मॉन सैम की टॉप पर थी और इसीलिए उन दोनों की पोजीशंस और डायरेक्शन चेंज हो गई थी, एंड नाउ लीडर इज मॉन। तो इसीलिए सैम को बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी क्योंकि वो कभी इस पोजीशन में नहीं थी। तो मॉन सैम को संभालती है और कहती है, नो आज मैं यही चाहती हूँ, और कुछ टाइम पहले आप ही तो कह रहे थे कि आप मुझे हैप्पी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये कहने के बाद मॉन स्टार्ट होती है और सैम को एक पैशनेट किस करती है। तो पहले सैम मॉन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट जब सैम को रियलाइज होती है कि वो मॉन से भाग नहीं पाएगी
तो वो गिव अप कर देती है और मौन से कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे करते हो। शायद तुम भूल रहे हो कि ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम है एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट और हाउ टू स्लीप विद गर्ल्स। फिर और क्या, सैम भी उसे हेल्प करती है। फिर उन दोनों में हैप्पीली वो सब कुछ हो जाती है। फिर अगले दिन सैम मौन के लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीद के लाई है और वो सारे स्नैक्स आकर टेबल पे रख देती है। मौन को थोड़ी ऑकवर्ड लगती है क्योंकि उसे तो सैंडविच पसंद है बट उसने तो कभी सैम को ये बताया ही नहीं। और ऊपर से और भी एम्बैरेसिंग ये है कि मौन राइट नाउ अभी जिस सोफा पे बैठी है, कल रात वो दोनों उसी सोफा पे बैठ के वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रही थी। ओ गॉड, देयर इज सो एम्बैरेसिंग। फिर मौन स्नैक्स की ओर देखती है और सोचती है लेट्स सी देयर इज समथिंग एल्स, बट वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे सैंडविच थी। तो मौन सैम से कहती है बट आपको कैसे पता कि मुझे सैंडविच पसंद है। सैम मौन से कहती है इसमें से तुम्हें कौन सी पसंद है। तो मौन कहती है सब कुछ। फिर सैम सारे बैग्स में से एक फिश सैंडविच को ढूंढती है। फिर मौन से कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए। फिर सैंडविच को बैग से उठाती है, उसे ओपन करती है और हाथ में लेती है। फिर मौन से कहती है चलो ओपन योर माउथ। सैम की ये बातें सुनके मौन थोड़ी शाय फील करती है। फिर सैम उसे वो सैंडविच खिला देती है बट मौन जब सैम की ओर देखती है तो वो देखती है कि सैम थोड़ी सैड थी। तो वो उसे कहती है सैम क्या हुआ है। तो सैम कहती है तुम इस सैंडविच को बहुत फास्ट खा रहे हो। तो मौन कहती है बट मैं तो ऑलवेज ऐसे ही खाती हूँ। तो सैम कहती है मौन थोड़ी स्लो खाओ, ऐसे नहीं खाते। फिर वो मौन से कहती है डू यू वांट पॉकी। तो मौन कहती है ओके। फिर वो सोचती है सैम ने आज मुझे ट्रीट दिया, ये थोड़ी अजीब नहीं है। ऊपर से वो मुझे अपनी हाथ से सैंडविच खिला रही थी और जब मैं फर्स्ट फर्स्ट खा रही थी तो वो मुझे स्लोली स्लोली खाने के लिए कह रही थी। फिर सैम उसे एक और सैंडविच देती है और कहती है डोंट बी हरी ओके, इसे आहिस्ता खाओ। फिर सैम सडनली मौन की ओर घूम जाती है और उसी सैंडविच को बाइट करती है जो अभी मौन खा रही थी। फिर मौन को समझ आ जाती है कि सैम क्यों उसे सैंडविच को आहिस्ता खाने के लिए कह रही थी। गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि सीरीज में ये सीन नूडल्स के साथ दिखाई जाएगी एंड आई थिंक दिस इज अ स्पॉइलर पिक्चर। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो मौन सोचती है दिस इज द मोस्ट डिजायर किस आई हैव नेवर सीन इन द वर्ल्ड। नाउ वो दोनों एकदम फेस टू फेस है और बहुत क्लोज है एंड सैम उसे बाइट करने की कोशिश कर रही थी। मौन को ये फीलिंग थोड़ी अजीब तो लग रही थी बट वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी एंड वो चाहती भी थी कि सैम उसकी क्लोज आए। सैम मौन को किस कर रही थी बट बहुत ही सॉफ्टली। मौन सोच रही थी नो इट्स अ नॉट बाइट, इट्स अ सॉफ्ट किस। आई नो शी ट्राई टू वेरी हार्ड टू डू बट वो भी बहुत शाई फील कर रही थी। मौन एक्साइटेड तो थी बट एट दैट सेम टाइम शी कैन फील हर स्वीटनेस। मौन सैम को नहीं रोकती इसे किस करने से। सैम मौन की लिप्स को स्लोली स्लोली किस कर रही थी और मौन के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रही थी। फिर मौन भी सैम को किस करने लगी बट कुछ सेकेंड बाद मौन को कुछ रियलाइज हुई तो वो सैम को पीछे धक्का दे दिया। तो खुन सैम बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से इधर उधर देख रही थी एंड वो कह रही थी हे व्हाट हैपेंड। अचानक मौन की इस बिहेवियर सैम को भी सरप्राइज कर देती है। फिर सैम कहती है आई नो मैं इस चीज़ में उतना भी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तो मौन कहती है नो दैट्स नॉट, इट्स गुड बट क्या तुम एक और बार ट्राई करना चाहोगे। सैम सडनली आंसर देती है या श्योर। मौन बहुत ही शाय फील कर रही थी सैम को फेस करने में। तो मौन अपनी ब्रीदिंग को रोक के सैम से कहती है सो वी, बट सैम अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड अटैक टू मौन विथ हर किसेस विदाउट लिसनिंग टू हर। मौन बहुत ही शाय फील कर रही थी क्योंकि ये एक्सपीरियंस वो अपनी लाइफ में कभी नहीं की। सैम उसे किस कर रही थी और बहुत ही फैमिलियर तरीके से उसे टच कर रही थी। कुछ सेकेंड बाद मौन सैम से कहती है यू माइट थिंक दैट आई एम टू शाई टू से दैट कॉज वी आर बोथ नॉट प्रोफेशनल इन लव। कुछ टाइम बाद सैम की टच और उनके किसेस मौन को बहुत अपना लगने लगती है। फिर सैम मौन को थोड़ी स्पेस देती है सांस लेने के लिए एंड नाउ अभी उन दोनों की फेस एकदम पिंक हो चुकी है। फिर सैम मौन से कहती है मौन तुम्हारे दिमाग में अभी जो भी चल रही है एग्जैक्टली तुम मुझे वो बोल सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी बट आई एम गोइंग टू ट्राई डू माई बेस्ट फॉर यू। तो मौन कहती है सैम अभी
राइट नाउ आप ये सब क्यों बोल रहे हो? फिर सैम कहती है, मैं बस तुमको बोल रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मोर देन एनीवन, ओके। Alright guys, there is the video. I hope you like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me on Instagram, my Instagram handle is here. If you're gonna follow me. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye-bye.